हिमाचल प्रदेश में सियासी तापमान इतना हाई है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी इसकी जद में आती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की ओर से भेजे गए सेंट्रल ऑब्जर्वर्स के सामने सुखविंदर सुक्खू ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। सीएम सुक्खू ने विधायकों की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए ये फैसला लिया है। हालांकि अब तक इस पर कांग्रेस आला कमान की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेष भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। साल 2022 में विदेशी सरजमी पर जाकर राहुल गांधी हर मंच पर चिल्ला चिल्ला कर बस एक ही बात कह रहे थे, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। मोदी सरकार देश में लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है। उनकी बातों पर उस वक्त देश की जनता को यकीन नहीं हो रहा था। लोग राहुल पर विदेशों में जाकर देश का अपमान करने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब पूरे देश में जो भी हो रहा है, जैसे भी हालात बन रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं उनके दावों में सच्चाई है, क्योंकि बीते दिनों महाराष्ट्र में जो हुआ वही खेल अब बीजेपी ने हिमाचल में कर दिया है। वरना पूर्ण बहुमत वाली सुक्खू सरकार संकट में क्यों आती? दरअसल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनकी पार्टी के कुछ विधायक बगावत कर बैठे हैं, जिसके बाद मंगलवार को हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी से बाहर जाकर बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट किया और कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी हार गए। इसके अगले ही दिन यानी आज सुबह पार्टी को एक और बड़ा झटका तब लगा जब सुक्खू कैबिनेट में नंबर 3 माने जाने वाले विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजा वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। उनकी मां प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। अब आपको बता दें, साल 2022 में हुए हिमाचल विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद प्रतिभा सिंह खुद सीएम बनना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें साइड करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाया। उस वक्त भी प्रतिभा सिंह के चेहरे पर नाराजगी साफ देखी जा सकती थी, लेकिन विपक्षी पार्टी फायदा ना उठाए इस बात को ध्यान में रखते हुए रानी साहिबा ने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त की और अध्यक्ष पद पर संतोष जाहिर किया। वही ताजा घटनाक्रम जिस तरह से तेजी के साथ बदले हैं, उससे सुक्खू सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। आज सुबह विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया के सामने आकर सुक्खू सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। जिस कांग्रेस पार्टी को हिमाचल में राजा वीरभद्र सिंह ने अपने खून पसीने से सींचा था, आज उसी पार्टी को बीच मझधार में छोड़कर जाने वाले उनके बेटे मौजूदा सीएम से बेहद खफा नजर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में विधायकों की जो अनदेखी हुई है, उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसी का नतीजा है कि आज हमने ये कदम उठाया है। वीरभद्र सिंह जी की जो प्रिंसिपल्स है, 6 बार वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने हमेशा जो है अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे विद ड्यू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट ऑफ द हाई कमांड, उन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे राजनीति करी है। एंड इट इज माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जैसा मैंने हमेशा कहा है कि सही का समर्थन और गलत का विरोध करते हुए हम उसी राह पर आगे चलेंगे विद ऑल ह्यूमिलिटी, विद ऑल जो है एक रिस्पेक्ट, एक ड्यू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट जिसको देना है हम निश्चित तौर से देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अगर हमारी आवाज को या हमारे जो है अस्तित्व को कोई दबाने का या कोई मिटाने की कोशिश करेगा, उस चीज को मैं टॉलरेट करने वाला नहीं हूं, ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों से कह देना चाहता हूं। अब हम आपको हिमाचल में होने वाले सियासी तख्तापलट के पीछे की असली वजह बताने जा रहे हैं, जिसके चलते सुक्खू सरकार संकट में आ गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले 15 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए टेस्ट के रूप में देखा जा रहा था, जिसमें वो फेल होती नजर आई, क्योंकि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के मन मुताबिक नहीं आए। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी को भी उत्तर प्रदेश में 1 सीट पर झटका लगा है, तो वहीं कर्नाटक में 4 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस 3 और बीजेपी 1 सीट जीतने में सफल रही है। लेकिन कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका हिमाचल में लगा है, जहां संख्या बल होने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार हार गया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये संभव हुआ कैसे, जहां कांग्रेस की जीत पक्की थी वहां भी बीजेपी ने कैसे खेल बिगाड़ दिया, आखिर कैसे 15 राज्यसभा सीटों में से बीजेपी 10 सीटें लेकर आगे निकल गई। तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में 2022 से कांग्रेस की सरकार है।
कांग्रेस के पास कुल 40 विधायक हैं, बीजेपी के पास सिर्फ 25 विधायक हैं, 3 विधायक निर्दलीय हैं, तो कुल संख्या 68 विधायकों की है। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिग्गज अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी थे और बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हर्ष महाजन। हर्ष महाजन वही हैं जो 2022 चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। मंगलवार की सुबह जब राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू भी नहीं हुई थी, तब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस के सामने आकर दावा किया था कि अगर कोई बिका नहीं तो 40 के 40 विधायक हमारे साथ हैं और जीत हमारी ही होगी। तो वही हिमाचल सरकार में मंत्री रहे विक्रमादित्य सिंह और वरिष्ठ नेता प्रतिभा सिंह ने भी वोटिंग से पहले आकर क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं पर बात की थी। इन तीनों नेताओं के बयानों से टीवी चैनल्स पर चल रही क्रॉस वोटिंग की खबरों को बल मिला और शाम होते होते चुनाव के नतीजों ने क्रॉस वोटिंग की अटकलों को सही साबित भी कर दिया। हिमाचल प्रदेश में जब एक सीट पर वोटिंग हुई तो कांग्रेस के 40 विधायकों में से 34 ने ही सिंघवी के पक्ष में वोट डाले, बल्कि 6 विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट किया। इसके अलावा 3 निर्दलियों का वोट हासिल करके बीजेपी भी कांग्रेस के बराबर 34 की संख्या बल पर पहुंच गई। अब इस तरह से 25 विधायकों वाली बीजेपी हिमाचल में 34 वोट पाने में सफल रही। अब जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों उम्मीदवारों के पास 34-34 वोट थे तो नतीजे का फैसला लॉटरी के जरिए हुआ। नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन प्रेस के सामने आए और जमकर सुक्खू सरकार पर हमला बोला और कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस को जल्द बाहर का रास्ता दिखाएगी। जैसे हिमाचल में हुआ, हमने किसी से जो भी मैंने उनको विधायकों से बात की, मैं तो यहीं का स्थानीय आदमी हूँ और मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप स्थानीय आदमी को आगे ले जाइए, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए और आप जो अपनी कार्यशाली है जो इस सरकार की, उससे नाराज़ हैं लोग, तो क्या इसका मतलब जो है, तो इसलिए मैं समझता हूँ मेरे को क्रॉस वोटिंग हुई है। वहीं हिमाचल में खेला होता देख कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी ने भी क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर भड़ास निकाली और कहा कि ये लोग रात तक हमारे साथ बैठकर खाना खा रहे थे, सुबह नाश्ता भी साथ किया। इससे पता चलता है कि हम लोगों के चरित्र पहचानने के मामले में कितने खराब है। जिसमे से 9 के 9 कल रात तक हमारे साथ बैठे थे, खाना खाया था, जलपान किया था, फोटोज ली थी। उसके पहले जो बार बार हमसे मिले थे, मुझसे ही नहीं, मुख्यमंत्री जी से ही नहीं, लेकिन सब MLA से कई आश्वासन दिए थे और जिनमें से 3 आज हमारे साथ नाश्ता करके निकले थे, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उनसे हमको कुछ शिक्षा मिली है। कम से कम मुझे निजी रूप से शिक्षा मिली है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा मिली है। कांग्रेस उम्मीदवार सिंघवी ने हार के बाद पहले तो बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को बधाई दी और फिर बीजेपी पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि अगर बीजेपी ऐसा ही नया भारत बनाना चाहती है तो मैं पुराने भारत को ही पसंद करूंगा। जरा सुनिए। सबसे पहले उससे पहले मैं माननीय हर्ष महाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का। एक बात जरूर मैं कहूंगा, उनकी पार्टी को अपनी गिरेबान में देख के सोचे, जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है तो उसका एक, सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। मंगलवार को राज्यसभा चुनाव को लेकर जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी होना था, ऐसा लगता है हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू को उसका अंदाजा पहले से था। हालांकि उनका दर्द भी छलका, साथ ही उन्होंने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर ईमान बेचने का आरोप लगाया। शाम तक कस्में जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे और जब अपना ईमान ही बेच दिया, जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया, वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है जिसमें 3 तो आजाद उम्मीदवार है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया,
लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिमाचल की जनता इस प्रकार की संस्कृति की आदी नहीं है। हिमाचल की जनता जानती है कि हमने कांग्रेस की सरकार को 5 साल चुनकर भेजा है, और जिस प्रकार से वो राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं उस दृष्टिकोण को हिमाचल की जनता पसंद नहीं। इससे पहले हिमाचल के मुख्यमंत्री ये भी दावा कर चुके थे कि CRPF और हरियाणा पुलिस आकर कांग्रेस के 6 विधायकों को अपने साथ ले गई है। अब आपको बताते हैं कौन है वो 6 विधायक जिन्होंने कांग्रेस की जीती हुई बाजी को हार में बदल दिया। ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वो 6 विधायक हैं: धर्मशाला से सुधीर शर्मा, सुजानपुर से राजेंद्र राणा, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, गगरेट से चैतन्य शर्मा, कुटलेहर से देवेंद्र भुट्टो। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि चुनाव से पहले ही उनके 6 विधायकों को किडनैप किया गया था, जबकि बीजेपी ने ऐसे आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि वो अपनी मर्जी से सुक्खू सरकार के खिलाफ गए हैं। आपको बता दें हिमाचल में कांग्रेस सरकार को 29 फरवरी को बजट पास करवाना है। इसी दिन सत्र का अंतिम दिन भी है, लेकिन सूबे के पूर्व CM जयराम ठाकुर का दावा है कि वो अगले 2 दिन में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, क्योंकि उनके पास संख्या बल नहीं है। साथ ही उन्होंने सुक्खू सरकार से इस्तीफे की मांग की थी। राज्यसभा का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत बड़ा बहुमत कांग्रेस के पास होने के बावजूद ये संदेश देता है कि वर्तमान हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में रहने का अधिकार खो चुकी। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों से भी ये जानकारी मिली है कि कांग्रेस विधायक चाहते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को CM पद से हटाया जाए, क्योंकि पार्टी के ज्यादातर विधायक सुक्खू की कार्यशैली से खुश नहीं है। ऐसे ही कुछ मिले जुले आरोप विक्रमादित्य सिंह ने भी CM सुक्खू पर लगाए हैं। ऐसे में पार्टी में उठ रहे बगावत के सुरों को देखते हुए कांग्रेस आला कमान में भी टेंशन बनी हुई है। लिहाजा पार्टी ने हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार को ऑब्जर्वर बनाकर हिमाचल भेजा है, ताकि वो विधायकों से बात करके आगे के लिए कुछ रास्ता निकाल सके। वही पार्टी सूत्रों की माने तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी लगातार हिमाचल में चल रहे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और बागी विधायकों से बात करने की कोशिश कर रही है। अब उनकी ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर हिमाचल के CM सुक्खू अपने बागी विधायकों को मनाने में कामयाब नहीं हुए तो हिमाचल से कांग्रेस का जाना तय है। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।